इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी किस वजह से रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल के बदले डबी मिसाइल को स्टैंडर्ड VVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। रशिया की तरफ से अभी एक ऐसी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को बनाया जा रहा है जो कि 1 टन तक की पेलोड को कैरी कर सकता है। क्या रशिया की जिरकॉन मिसाइल की सफल परीक्षण आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल की हाइपरसोनिक वेरियंट को डेवलप करने में हमको मदद कर सकता है? पीओके रीजन में अभी एक बार फिर से सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया गया है। और अंत में क्या मिग कॉर्पोरेशन की डाउन होने के पीछे रशिया की खुद की सुखोई डिजाइन ब्यूरो को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। पिछले 1-2 दिनों से आपने सुना होगा इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MKI फाइटर जेट में डबी मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात सामने आई थी और मुझे किसी ने शायद ट्विटर में इसके बारे में पूछा था और मैंने उसको बताया था कि डबी मिसाइल को सुखोई में भी इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इसकी रेंज 50 किलोमीटर के आसपास है, तो हमें अभी कम से कम 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाले मिसाइल की जरूरत है। इसीलिए हमें WER सीरीज की मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डबी को सुखोई में इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है तो वो यकीनन WER या IWER सीरीज की मिसाइल होने वाली है। आज इसको लेके कुछ अपडेट सामने आया था जिसके मुताबिक अभी सुखोई में WER मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और इनिशियली अभी डबी मिसाइल की डमी को सुखोई में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग करना शुरू किया गया है। अब मुझे नहीं लगता कि अभी सुखोई में WER को इंटीग्रेट करने में कोई खास दिक्कत होने वाला है, लेकिन किसी भी मिसाइल को फायर करने के लिए सबसे पहले मिसाइल की सोर्स कोड का एयरक्राफ्ट की मिशन कंप्यूटर के साथ कंपैक्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही बाद में जब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो ये फ्लाइट के दौरान कितना वाइब्रेशन क्रिएट करता है या फिर एयरफ्रेम के ऊपर एडिशनल कितना स्ट्रेस डालता है, ये सब पहले से कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली ये सब फेज 1 ट्रायल के दौरान किया जाता है जिसमें सिर्फ मिसाइल को एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके शॉर्टेज किया जाता है। इसके बाद अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आगे चल के मिसाइल को यहाँ से फायरिंग करने की कोशिश की जाती है जो कि फेज 2 ट्रायल के दौरान होता है और उसको कैप्टिव ट्रायल कहा जाता है, जिसमें मिसाइल को फायर तो किया जाता है लेकिन उस दौरान मिसाइल में कोई भी एक्टिव वॉरेंट मौजूद नहीं होता है। और इसके बाद ऑफिशियली जब इनको क्लियर कर दिया जाता है तो उसके बाद ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 MKI में WER और अस्त्र Mk-1 मिसाइल को स्टैंडर्ड VVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही हमारे पास अभी रशियन ओरिजिन RVV-SDR-77 की नई वेरिएंट भी मौजूद है जिसको हाल ही में ही खरीदा गया था। इनकी रेंज भी लगभग 110 से 120 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, लेकिन रशियन मिसाइल की जो सर्विस लाइफ होती है वो थोड़ा कम होता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रशियन ओरिजिन मिसाइल के बदले इजरायली ओरिजिन और इंडियन ओरिजिन मिसाइल पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया गया है। अगला अपडेट Mk-2021 एयर शो को लेके है। आप सबको पता होगा कि 20 से 25 जुलाई तक यानी कि आज तक रशिया में Mk-2021 एयर शो चल रहा था और देखा जाए तो इस बार रशिया की तरफ से इस एयर शो के दौरान काफी सारे नए फाइटर जेट मॉडल को डिस्प्ले किया गया है। और पिछली बार की मार्क्स एयर शो की बात करें जो कि 2019 में हुआ था, उसके मुकाबले इस बार रशिया को काफी फायदा भी हुआ है क्योंकि इस एयर शो की पहले 2 दिनों के अंदर ही रशिया की तरफ से लगभग 1 बिलियन यूरो का डिफेंस डील साइन किया गया है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से जब हम एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे तो रशिया की तरफ से एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर की मॉडल को भी डिस्प्ले किया गया है। ये दिखने में तो HAL की RUAV मॉडल जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा लोड को कैरी किया जा सकता है। रशियन हेलीकॉप्टर की तरफ से बताया गया कि जो हेलीकॉप्टर होने वाले हैं ये इनिशियली 200 kg तक के लोड को कैरी कर सकते हैं और आगे चल के वो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को 1 टन के आसपास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद आज तक बनाए गए कोई भी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर में सबसे ज्यादा लोड कैरी करने वाला हेलीकॉप्टर होने वाला है। अभी रशिया के पास इस कैटेगरी के 2 UAV मौजूद हैं, जिनमें से इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 50 kg से लेके 80 kg के आसपास है और इसमें से BS-200 सीरीज की जो UAV है वो 50 kg के आसपास लोड को कैरी कर सकता है और RT-300 सीरीज की जो UAV है वो लगभग 80 kg के आसपास की लोड को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अभी रशिया की तरफ से इनकी कैपेसिटी को 1 टन के आसपास बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। ये ड्रोन्स लगभग 3,900 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और लगातार 4 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और ये मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकते हैं।
ऐसे में अगर इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को 1 टन के आसपास किया जाता है या फिर एक बड़े यूएवी को डेवलप किया जाता है तो यह अनमैन्ड वर्टिकल लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को एक अलग ही दिशा देने वाला है। अब एचएएल की तरफ से इस आरयूएवी मॉडल को एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था, वो भी काफी हद तक रशियन सिस्टम को चैलेंज करने वाला है क्योंकि ये लगभग 220 केजी के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है और लगभग 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये 15,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट को भी डेवलप करने वाला है जिसका नाम ब्रह्मोस 2 होने वाला है। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से पहले से ही कई बार ये कहा जा चुका है कि वो 2027 तक ब्रह्मोस के एक हाइपरसोनिक वेरिएंट को डेवलप करने वाले हैं। इनिशियली 2025 के आसपास इसकी स्पीड को मार्क 5 तक करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद इसकी स्पीड को मार्क 7 तक इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन पिछले कई महीनों से इसको लेकर कोई खास अपडेट नहीं आया है। इसी बीच अभी रशिया की तरफ से अपनी जिरकॉन मिसाइल की एक सफल परीक्षण किया गया था। जैसे कि ब्रह्मोस भी रशियन ओरिजिन मिसाइल है तो जिरकॉन के साथ इसका कुछ समानताएं जरूर होने वाला है, लेकिन जिरकॉन को अभी रशिया की तरफ से एक हाइपरसोनिक एंटीसिप मिसाइल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और हाल ही में किए गए टेस्ट के दौरान इसकी रेंज को 1000 किलोमीटर के आसपास बताया गया था और ये लगभग मार्क 8 की स्पीड को हासिल कर रहा था जो कि फिलहाल इसको दुनिया का सबसे तेज एंटीसिप मिसाइल बना सकता है। और स्पीड में ट्रैवल करने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाले सिस्टम आज तक डेवलप नहीं किए गए और आगे चल के ब्रह्मोस 2 में भी रशिया सेम टेक्नोलॉजी को भारत को ऑफर करने वाला है जो कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल की डेवलपमेंट में हमको आगे चल के मदद करने वाला है। लेकिन जिरकॉन मिसाइल को एक न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इसमें न्यूक्लियर वॉरेड को कैरी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक भारत ब्रह्मोस 2 के अंदर भी न्यूक्लियर वॉरेड को इंटीग्रेट करने वाला या फिर नहीं करने वाला है ये फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर भारत जल्दी से इसको डेवलप कर लेता है तो चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए हमारे लिए काफी आसानी होने वाली है, क्योंकि भले ही चाइना के पास DF-21 सीरीज के मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल है जिनको काउंटर करना थोड़ा आसान होता है। पर यहाँ पर ब्रह्मोस 2 एक सी स्किमिंग मिसाइल होने वाला है जो कि दुश्मन की रडार में होराइजन तक दिखाई नहीं पड़ने वाला है और हाइपरसोनिक मिसाइल होने की वजह से जब तक दुश्मन रिएक्ट करेगा तब तक ये शिप को हिट कर चुका होगा और ये फ्यूचर में इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज शिप्स के खिलाफ भारत का एक मेजर वेपन होने वाला है और आगे चल के हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट होने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सभी को पता होगा कि इसी साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया था जिसके बाद बॉर्डर में कोई भी फायरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा था और दोनों तरफ से बॉर्डर एकदम शांत था। लेकिन अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था जिसमें बताया गया कि हालांकि अभी LOC में फायरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है लेकिन POK रीजन में अभी फिर से सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया गया है और रेगुलर बेसिस पर सुअरों को वहां पर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई इन्फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है और ना ही बॉर्डर में तनाव अभी बढ़ रहा है क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सुअरों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि वो कवर फायर देते थे जिस वजह से इसी का फायदा उठाकर सुअर लोग बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी जो पाकिस्तानी आर्मी है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस वजह से वो सीधे तौर पर घुसपैठ नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है उन पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अभी में भी जो ड्रोन एक्टिविटी LOC के करीब दिखाई पड़ रहा है ये सब इन्हीं लॉन्च पैड से सुअर लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और खुद बॉर्डर में घुसपैठ ना करके ड्रोन की मदद से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से अभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर मीटिंग को भी अरेंज किया गया था जिसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की साइड से आने वाले ड्रोन्स को लेके कंप्लेन किया गया। वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सीज फायरिंग का एक फायदा हमको ये मिला है कि बॉर्डर में जितने भी वीक पॉइंट मौजूद थे अभी उनको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है और सबकी अभी मरम्मत करना शुरू कर दिया गया और अब इनकी मरम्मत करने में भी काफी आसानी हो रही है, क्योंकि जब फायरिंग एक्सचेंज हुआ करता था तब अगर बॉर्डर पर कहीं पर भी लूप होल मौजूद होता तो उसको ठीक करने में हमको काफी रिस्क लेना पड़ता था और मेनली इसी का फायदा उठाकर सुअर लोग उसी रास्ते से घुसपैठ करने की कोशिश करते थे और बदले में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से उसी रास्ते से उनको घुसपैठ कराने के लिए सपोर्ट फायर किया था। लेकिन अभी जैसे कि सीज फायरिंग बंद हो चुका है तो जितने भी लूप होल मौजूद थे उनको धीरे धीरे करके ठीक करना शुरू कर दिया गया। अगला अपडेट रशियन मिग्स को लेके। आप सभी जानते होंगे कि 70s या उससे पहले भी यानी कि 60s के दौर से भी मिग्स अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज हुआ करते थे और शुरुआत में जब सुखोई का एंट्री हुआ था तब भी मिग रशियन एरोस्पेस मार्केट को लीड कर रहा था। मिग 15 से लेके मिग 29 तक सभी फाइटर जेट काफी सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हुआ रशिया की खुद की सुखोई डिजाइन ब्यूरो मिग कॉर्पोरेशन को डाउन करने लगा था।
MiG-31 की बात करें तो ये हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन अपने दौर में ये काफ़ी सफल रहा था। लेकिन SU-27 की एंट्री होने के बाद मिग्स अपनी दबदबा खोने लगे थे। उसके बाद SU-30 आया था और उसके बाद SU-35 आया। इसी बीच मिग की तरफ से एक भी फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और बाद में मिग की तरफ से MiG-35 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अभी तक इतना सफल नहीं रहा है और इसका अभी तक रशिया को एक भी एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिला है। कुछ साल पहले की रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि MiG-31 की सक्सेसर के तौर पर मिग कॉरपोरेशन की तरफ से अभी MiG-41 को डेवलप किया जा रहा है, कि एक स्टेल्थ लॉन्ग रेंज का इंटरसेप्टर होने वाला है। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी डिटेल पब्लिश नहीं किया गया है। और अभी हाल ही में MARX 2021 एयर शो के दौरान भी मिग कॉरपोरेशन की तरफ से एक डेल्टा विंग मिग को डिस्प्ले किया गया था, साथ ही एक सिंगल इंजन मिग को भी डिस्प्ले किया गया था, जिसके बारे में हम अलग अलग डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो दो नए मॉडल मिग कॉरपोरेशन की तरफ से डिस्प्ले किया गया था, इनमें से एक MiG-21 का सक्सेसर होने वाला और एक MiG-29 का सक्सेसर होने वाला है, और ये दोनों ही स्टेल्थ फाइटर जेट होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इनका हालत MiG-35 के जैसे ही होने वाला है, क्योंकि अभी सभी की नजर सुखोई की SU-75 के ऊपर लगा हुआ है और जितना एक्सपोजर चेकमेट प्रोग्राम को मिल रहा है उतना अभी मिग कॉरपोरेशन की किसी फाइटर जेट को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।